हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इंक वॉश करने वाले हैं। सो देर ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। इंक वॉश पेंटिंग एक तरह का ट्रेडिशनल चाइनीज आर्ट है। अब यहाँ मैं एक रेफरेंस इमेज मैंने लिया है और रेफरेंस इमेज के बेस पे, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है और इसके बेस पे मैं इंक वॉश करने वाली हूँ। सो यहाँ मैंने सबसे पहले पानी लिया है और पानी में ब्रश को डैब करने के बाद मैं यहाँ पेंटिंग स्टार्ट करना। अब देख सकते हो इस तरह से मैंने पानी को अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ इंक के मदद से, जो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने मिक्स किया है, उस इंक के मदद से मैंने यहाँ माउंटेन बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जब तक मैं बना रही हूँ तब तक मैं इंक वॉश के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। इंक वॉश पेंटिंग इज अ जापानीज पेंटिंग, एक ट्रेडिशनल चाइनीज और जापानीज आर्ट है जिसमें वो लोग इंक को पानी में घोल के या पानी में मिला के इसे पेंट बनाते हैं। अब पानी का प्रोपोर्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है पेंटिंग का शेड्स कैसा आएगा। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग में डार्कर शेड्स में चाहिए, डार्कर ब्लैक शेड्स में चाहिए, तब कोई भी इंडियन इंक लेके आप उसमें थोड़ा सा कम पानी यूज़ कीजिए या ना बराबर पानी यूज़ करके आप ब्लैक कलर का पेंट बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लाइटर शेड में चाहिए तो लाइटर शेड के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने ब्लैक इंक को मैंने थोड़ा सा मीडियम पानी देके किया है और ये नीचे वाला जो ब्लैक इंक है उसे मैंने थोड़ा ज़्यादा मैंने उसमें इंक रखा है। अब इस तरह से मैं एक टिश्यू पेपर की मदद से इसे थोड़ा सा मैं डैब कर रही हूँ जिस तरह से मुझे इफ़ेक्ट मिल सके। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से करने से अगर आप डैब करते हो तो फिर आपका जो भी एक्सेस वाटर होता है वो सोख हो जाता है और आपका इंक फैलता भी नहीं है और इंक का एक अच्छा सा शेडिंग इफेक्ट आता है। और इंक पेंटिंग में थोड़ा सा हार्श एजेस होता है और वो उसका अपना खुद का अपना एक ब्यूटी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने मिक्स करके पहाड़ बना लिया है। पानी से मैंने इस तरह से मैंने शेडिंग बना लिया और मेरा पहाड़ कंप्लीट हो गया। अब मेरा आया है डिटेलिंग का पार्ट। डिटेलिंग का पार्ट के लिए मुझे ट्रीज बनाना है। अब मैं यहाँ ट्रीज बनाने के लिए, आप या तो डायरेक्टली कोई भी स्मॉल ब्रश के मदद से ट्रीज बना सकते हो या इस तरह का ब्लैक कलर का पेन, जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल हो उसी पेन के मदद से आप ट्रीज बना सकते हो। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, उसके बाद इस तरह से मैंने ट्रीज का शेप बना दिया है और जो भी डिटेलिंग का काम करना है वो मैंने कर दिया। अब देख सकते हो मैंने इस तरह से यहाँ पक्षी बनाया है और इस तरह से मेरा पेंटिंग कंप्लीट होने वाला है। और अब मुझे कुछ कुछ जगह पे हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए मैंने वाइट प्लेन लिया है, वाइट जेल पेन, और इस जेल पेन, रोलर जेल पेन की मदद से मैं इस ट्री और फॉरेस्ट को मैजिकल दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। और जो भी मेरा थोड़ा बहुत डिटेलिंग रह गया है उसके मदद से मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। अगर आपको इंक वॉश के बारे में और भी कुछ सीखना है फ्रेंड्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको इंक वॉश में क्या क्या सीखना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। सो ये था मेरा आज का इंक वॉश का वीडियो, जहाँ मैंने इंडियन इंक के मदद से किस तरह से मैंने एक पेंटिंग बनाया है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।